channel. Hope you all guys are doing well. And आज का जो vlog है, do you know where we are going? We are going Pune. There is an event in my office. It is Tech Mahindra meet and greet. एक event है, interaction event है between all the seniors and the new joiners. उसके बाद after the meeting we will have a nice lunch over there. And उसके बाद हम like कहीं जाने वाले हैं. That I am going to show you after the my meeting and after my lunch. So if possible I am going to show you कि मेरा जो campus है वो कैसा है, but वो allow करें then I will show you, otherwise it's all right. It's a 1st October morning. बहुत ही foggy climate था. हम जब जा रहे थे कुछ दिख नहीं रहा था जैसे आप वीडियो में देख रहे हो. एंड हम बहुत सुबह निकले थे, अराउंड 6:15 तक हम निकल गए थे घर से, तो तब मैं स्टार्टिंग में शूट नहीं कर पाई. सो अभी मैं अपना वॉइस ओवर ऐड करके आपको दिखा रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा फॉग था. इट वॉज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ओवर देयर, बट स्टिल लाइक थोड़ा विजिबल तो था, तो हम समहाउ थोड़ा टाइम लगा बट स्टिल वी रीच. एंड लेटर अराउंड 9 AM फॉग चला गया था, बहुत ही विजिबल था. एंड यू नो व्हाट गाइज़, ये बहुत ही अच्छा सीन था. फॉग में लाइक ड्राइव करके जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट या विजिबल तो कम था. एंड येस, फाइनली वी रीच आर डेस्टिनेशन टेक महिंद्रा. मेरा जो ऑफिस है वो हिंजेवाड़ी फेज 3 में है. वहाँ पे 2 ऑफिस है, बट यहाँ पे जो मेरा ऑफिस है वो कॉर्पोरेट ऑफिस है. एंड यू नो व्हाट गाइज़, ये थोड़ा दूरी है लाइक मेन सिटी से, तो थोड़ा टाइम तो लगा जाने में. एंड लेटर एंट्री के टाइम उन्होंने हमको टेम्प्रेरी आईडी कार्ड दिया था फॉर एंट्री, और उन्होंने बोला कि जाते टाइम रिटर्न करके जाना. एंड फाइनली वी गॉट अ रियल आईडी कार्ड. सो अभी मेरा टेक कैम का जो भी इवेंट था वो हो गया है. पोस्ट लंच जो भी मीटिंग था, हमारा लंच भी हो गया है. मैं वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ रूल डेफिनेटली. सो मैं जो भी दिखा रही हूँ वो सब बाहर का सीन है. एंड लुक एट द मेन एंट्रेंस, दिस इज़ लुकिंग सो नाइस. चलो अभी हम जाते हैं, मॉम डैड को ढूंढती हूँ कहाँ पे हैं. फिर हमको भी होटल जाना है. आई बुक द होटल, लेट्स सी. And yes, we are going to stay for 1 night in Ramada Plaza by Wyndham in Pune Hinjewadi. मैंने ऑलरेडी पहले से 2 दिन पहले बुक कर दिया था. मैंने एक्स्ट्रा बेड भी मेरे लिए बुक किया था. And we checked in into the hotel. So our room number is 501. यहाँ पे एंट्री लेते ही मेरे को अच्छा लगा. Everything is very nice. All मतलब जितने भी amenities है वो सब कुछ है. But one thing is there कि due to corona उन्होंने spa, then swimming pool, bar ये सब बंद रखा है. Only the restaurant is open for dine-in and dine-out. एंड रूम्स तो है ही अवेलेबल है. एंड वी प्रेफर किंग साइज बेड. सिंगल बेड भी थे, बट हमने किंग साइज बेड ही प्रेफर किया है अलॉन्ग विद 1 एक्स्ट्रा बेड विद इट. And the charges for extra bed is 1500 rupees plus taxes. Okay guys, अभी हम आ गए हैं, check in हो गया है जैसे आपने देखा. एंड अभी हम फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं. मैं तो टीवी देख रही हूँ, मॉम डैड भी थोड़ा टाइम बस ही कर रहे हैं. इट वॉज टोटली अ वेरी हेक्टिक डे. बहुत थक गए थे, मैं तो बहुत थक गई थी, बट इट वॉज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवर देयर. बहुत ही अच्छा कैंपस है. मैं आपको पूरा दिखा तो नहीं पाई, बट जितना पॉसिबल उतना दिखा दिया. आई होप कि अभी पता नहीं कब ऑफिस खुलेगा, बट मोस्टली पोस्ट December और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट विल लाइक री ओपन अगैन. एंड अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है. इवन मैंने मेरा आईडी कार्ड भी मेरे को मिल गया है. एंड बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब बाद में ले लेंगे. सो अभी तो लुक एट दिस, वी ऑल्सो गॉट द एक्स्ट्रा बेड फॉर माई सेल्फ. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीनिक व्यू फ्रॉम आवर रूम. और साथ ही साथ हम बहुत टायर्ड हो गए थे, तो पापा और मैंने मम्मी को बोला कि एक स्ट्रॉन्ग सा कॉफ़ी बनाओ. तो मेरी मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग कॉफ़ी एंड शी इज़ वेरी बिजी इन दैट. नाउ लेट्स हेड ओवर टू डिनर. For the better information, I must tell you that ये पहले Holiday Inn था, but now they changed into Ramada Plaza by Wyndham. वो कहीं और हिंजेवाड़ी में बना है. एंड अभी ये सब कुछ स्ट्रक्चर सेम ही रखा है, but everything is like the previous one only. एंड सीरियसली गाइज, आप जब इतना सारा खाना देखते हो ना तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही टेम्पटिंग. ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी खा जाए, बट लिटरली इन रियल लाइफ आप खा ही नहीं सकते हो. आधा तो देख के ही मन भर जाता है. एंड खाने के टाइम बहुत ही हम कम खाते हैं. लुक एट माई पेरेंट्स. कोई रैंडम आंटी आ गई और उन्होंने हमसे बात करना स्टार्ट किया. माई पेरेंट्स टॉक टू हर सो नाइसली, दैट्स वाई आई लव देम सो मच. गाइज वी आर प्रेफरिंग द बफे एंड हियर वी हैव ये वेज बिरयानी है. Okay, and the next menu we have is the cream of spinach soup, that is this one. ये तो मेरे को अच्छा दिख रहा है anyways, but उतना भी अच्छा कुछ नहीं लगा मेरे को. Then we have chili garlic props and next we have दाल जीरा तड़के वाली. Next we have सब्ज़ हरा प्यारा and we have paneer palak sauce. नेक्स्ट वी हैव बर्न्ड गार्लिक नूडल्स. दिस इज़ सो टेम्पटिंग गाइस, दिस इज़ बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. मेरे को चाइनीज़ वैसे बहुत फेवरेट है. एंड दिस इज़ पेनी पास्ता इन रेड सॉस. नाउ लेट अस सी इन द नॉन वेज सेक्शंस. इन नॉन वेज सेक्शन वी बेसिकली हैव दिस मांचाओ सूप जो मेरे मॉम एंड डैड प्रेफर कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज़ मुर्ग खड़ा मसाला. ओके, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस, अच्छा दिख रहा है. वी हैव एग करी ऑल्सो. आई थिंक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा वो मूड खरा देन एग करी. आई थिंक ये स्टार्टर है, डेजर्ट नहीं है यहाँ. वी हैव पापड़, देन वी हैव पापड़ी चाट. नेक्स्ट वी हैव कीमची सलाद, देन वी हैव रशियन सलाद एंड दीज ऑल आर नॉर्मल बेसिक सलाड्स. फॉर डेजर्ट वी हैव गुलाब जामुन ओवर हियर. नेक्स्ट इज़ द ब्राउनी पुडिंग. That is, oh my god, this is so tempting. Chocolate brownie pudding. इसी के लिए तो मैं वेट कर रही थी. You know what? This is the favorite thing. मतलब जो डेजर्ट होता है ना सबसे अच्छा लगता है, यही लगता है. And we have assorted pastry and ये चंद्रकला. I don't know what is this. I think ये गुजिया है, पता नहीं चंद्रकला क्यों बोलते हैं, बट मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है. Anyways, the decoration is very nice over here, guys. ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. मेरे मॉम डैड ने खाना स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं जाके लेके आती हूँ. यहाँ पे नॉनवेज वाला हॉट एंड सार का सूप लिया है. या दिस हॉट एंड सार वाला सूप. एंड ये मैंने जो बताया रेड पेनी पास्ता, दिस नूडल्स, रशियन सैलड, वी हैव किमची सलाड. एंड ये मुझे भी याद नहीं क्या है, बट दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी टेस्टी, वेरी टेम्पटिंग. होप अच्छा हो, मैं भी टेस्ट करने वाली हूँ एंड आई will tell you the review. Let me start with the noodles one. It's good. Penny pasta. फेवरेट है. इट इज़ कीमची सलाद. नेम इज़ ऑल्सो इतना टेम्पटिंग है ना, नेम भी सुन के अच्छा लगता है. खाना तो एकदम डिलीशियस है, तो खूब टेस्टी, माई फेवरेट. मिष्टी नहीं क्या? ओके, ये कोई नया आइटम है. कौन सा है, क्या नाम है? मिष्टी हनी क्रिस्पी नतुन दिए गलो. And now I'm tasting chicken manchow soup. Tasty है. Okay, so for the main course मैंने यहाँ पे नान लिया है. बटर नहीं है, दिस इज नॉर्मल नान, नॉट बटर नान. दिस इज़ वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं था. दिस इज़ दाल जीरा तड़का. और ये अभी नया आइटम अभी उन्होंने लाया, दिस इज़ क्या था, चिली चिकन क्रिस्पी ऐसा कुछ नाम था, मुझे भी याद नहीं है वैसे तो, बट बहुत अच्छा दिख रहा है. लुक एट दिस एट क्लोज व्यू. एंड ये नॉर्मल मुर्ग मसाला है. एंड ये जो मैंने पहले मंगाया था क्रिस्पी पोटैटो, सो ये मैं अभी रिव्यू करने वाली हूँ. लेट्स ट्राई विद दिस वन. कुछ ऐसा है ना, चिली क्रिस्पी चिकन. बेस्ट, दिस इज़ रियली बेस्ट। नाउ दाल इज सिंपल एंड सोबर, बहुत अच्छा लग रहा है। या दैट इज़ चिकन गार्लिक, क्रिस्पी चिकन गार्लिक, वो बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नाउ लेट मी ट्राई मोट मसाला। ये ऐसा लग रहा है होममेड है, टोटली होममेड टाइप लग रहा है दैट मूंग मसाला सॉरी। ये बिरयानी टेस्ट करती हूँ, बहुत स्पाइसी है एंड टेस्टी भी दिख रहा है। आई थिंक सारे फूड ही बहुत अच्छा है। यू लाइक द मम्मी? डेजर्ट ये चॉकलेट ब्राउनी है, चॉकलेट ब्राउनी पुडिंग, ये मैंने बहुत सारा लिया बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट डेजर्ट। देन इट इज़ पाइनएप्पल केक पेस्ट्री है ना, हाँ, एंड फिर स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, ओके। एंड इसके साथ गुलाब जामुन भी है जो मेरी मम्मी ने लिया है। उन्होंने चॉकलेट कौन सी पेस्ट्री, चॉकलेट कॉफ़ी पेस्ट्री एंड गुलाब जामुन। लेट मी ट्राई फर्स्ट विद ब्राउनी। यू लाइक इट? टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत सारा टेस्टी है। मतलब केक सो दिस आल्सो नाइस। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है 2 अक्टूबर। वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे मॉम डैड भी रेडी हैं, अभी हमारा ऑलमोस्ट पैकिंग भी हो गया है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल लीव फॉर नासिक। So what we have for the breakfast? Breakfast में white bread, we have brown bread, then we have croissant and chocolate croissant भी है, and this is Danish. Next we have donuts, then we have butter donuts and ये muffins है, yeah this is also muffin. We have tea cakes and this is म्यूजली, दिस इज़ कॉर्न फ्लेक्स, दिस इज़ व्हीट फ्लेक्स एंड दिस इज़ चोको फ्लेक्स। यहाँ पे कोल्ड मिल्क एंड हॉट मिल्क भी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड नाउ लेट मी शो यू द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेकफास्ट। ये वी हैव पिकल, प्लेन योगर्ट, मार्मलेड जैम, वी हैव बेक्ड बीन्स एंड पोरिज ओवर हियर। दिस इज़ पोहा एंड मिक्सड वेज पराठा, आलू पराठा नहीं है क्या? एनीवेज then we have puri and sabzi, this is the sabzi for the puri one. This is sambar, South Indian dish, my favorite sambar. Tomato chutney and coconut chutney over here, and I think isme idli hoga. Yes, here is idli. Next we have pancake and chicken sausages. Chicken sausage bahut tempting lag raha hai. And then we have boiled eggs. Next we have bacon and pork sausages. This is bacon and this is pork sausages, and this is grilled tomato and butter roasted potatoes. Finally we have chicken salami, ye pork salami. We have fruits over here. Kiwi hai, guava hai. I can see pear and orange. And ye bahut mini hai, cheddar cheese hai, and थोड़े और cheeses हैं, olives भी है. We have flavored yogurt over here. I think strawberry, pineapple, mango yogurt है. Then we have watermelon as a fruit. We have papaya over here. This is muskmelon and this is pineapple. And in juices we have watermelon fresh juice and this is mixed fruit juice. Finally we have smoothie and this is beetroot juice. And yes, I choose this breakfast. द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी वेरी डिलीशियस। हर चीज़, हर आइटम बहुत ही टेस्टी था। साथ ही साथ होटल मैनेजर भी आए एंड ही आस्क्ड अस डिड यू लाइक इट और नॉट। इट वॉज रियली वेरी वेरी गुड रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड फाइनली वी चेक्ड आउट अराउंड 11 AM in the morning. किधर फोन धरे आछि And yes, this is all about the Ramada Plaza by Wyndham in Pune, Hinjewadi. Hope you like it. Also, I mentioned the reviews and ratings for the hotel. Don't forget to watch till end. And if you like it, please like, share and subscribe my channel. So for the review part, मैं ये बोलूँगी खाना is very very good. Food is extraordinary. जो भी items हैं from the starter to the main course to the like dessert, everything is very very good. Ambience is very good and जो place है ये बहुत ही अच्छा है. So I will rate Ramada Plaza for everything. Like जो भी है parking lot वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है. Rooms भी अच्छे हैं. So I will rate 4 star out of 5 and for the food definitely I will give 10 out of 10 for the food. ये बहुत ही अच्छा है. If you are planning with your friends, families, you can come over here. You can celebrate your day like anniversary, any type of celebration of birthday, whatever it is. So yeah, Ramada Plaza is definitely a good and excellent place. And yes, comment down below. Do you like this or not? How do you like it? And मैं खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, बहुत भूख कर से खा रही हूँ, ये भी मुझे बताना, okay?